हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग के से। तो आज हम आ गए हैं अपने किचन गार्डन में। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें पापा ने लगा के रखी हुई हैं। टमाटर हैं, टमाटर अभी छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं। ये हमने नए पौधे लगाए थे। यहाँ पे देखिए ये गार्लिक लगा के रखा हुआ है, जिसको लहसुन बोलते हैं। पानी की बूंदें देखो इसके ऊपर कैसे पड़ी हुई हैं। सुबह सुबह ओस पड़ी है इसके ऊपर, ठंड हो गई है अभी। ये हमने प्याज लगाया है, ये तो अभी दो तीन। ये देखिए गाइस, हमने सुबह सुबह यहाँ से चुकंदर निकाल ली है, जिसको बीट रूट भी बोलते हैं। अभी ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, छोटी छोटी है। तो हमने दो तीन ही इसके उखाड़े हैं। यहाँ पे देखिए मिर्ची लगी है, मटर की फलियाँ हैं, ये देखिए मूलियाँ भी हैं। हमारे किचन गार्डन में मोस्टली जो घर पे यूज़ होने वाली चीज़ें वो यहीं पे हो जाती हैं, हमारे घर के पास जो खेत है। ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं कुछ। ये हमारे ना गर्मियों के पौधे हैं, तो ये अभी भी मतलब इनमें से वो निकल रहा है, टमाटर लग रहे हैं इनको। तो पापा तोड़ रहे हैं ये वाले टमाटर जो पक्के हैं, इनको आज हम यूज़ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मूलियाँ भी तैयार हो गई हैं परांठे वगैरह बनाने के लिए। मोस्टली जो डेली घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हमारे यहीं पे, हमारे जो हमारा किचन गार्डन है इसी में हो जाती है। देखो मटर की फलियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं। विंटर में सब्जी तो मोस्टली घर पे ही हो जाती है सारी। ये देखिए इनको फूल पड़ गए हैं और साथ में फलियाँ लगनी भी स्टार्ट हो गई हैं। ये 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएंगी सब्जी बनाने के लिए। हमारा जो किचन गार्डन है वो घर के बिल्कुल पास ही है। ये देखो हिमाचल में पहाड़ों के बीच में ये सामने हमारा घर है। मम्मी भी लगे हुए हैं अपने डेली के काम में। चारों तरफ देखो हरियाली ही हरियाली है, कितने सारे पेड़ हैं। और सूरज की किरणें देखो कैसे पड़ रही हैं हमारे घर के ऊपर, हमारे मतलब इस एरिया में। पानी की ड्रॉप्स जो हैं वो जमी हुई हैं पूरी। ये जो हमारे पौधे हैं, ये देखिए गाइस, ये घिया भी लगा हुआ है। ये भी गर्मियों की बेल है, बट अभी भी ये फल दे रही है। तो पापा इसमें से भी एक निकालने लगे हैं, आज बनाएंगे ये वाला। और ये पूरी ऑर्गेनिक है, हम इसके अंदर कोई जैसे खाद खूद होती है ना केमिकल वाली, वो डालते नहीं है। ये देखिए इसकी बेल है। अभी देखो और इसके अंदर लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब ये 4-5 दिन में एक हो ही जाता है बनाने के लिए तैयार। अभी आपको और दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पे ना ये लगे हुए हैं पपीते, लगे हुए हैं पपाया जिसको बोलते हैं। ये देखो छोटा सा पेड़ है पर कितने सारे लगे हुए हैं। एक ये पकने भी वाला है, जिसका येलो येलो कलर हो गया है ना, इसके ऊपर भी पूरी पानी की ड्रॉप्स जमी हुई हैं सुबह सुबह। अभी तो मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बज रहे हैं। फॉग भी है थोड़ी थोड़ी। ये गाइस टमाटर लगे थे और ये घिया, पपाया। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।